नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सक्सेना एक बार फिर डॉक्टर एस एस सोनी के साथ आपको घुटनों के दर्द के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि अपन ने पिछली बार डॉक्टर साहब डिस्कस किया था कि रूटीन वे में लोगों के घुटनों में दर्द होता है, इस बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, जो खिलाड़ियों में नी पेन होता है या घुटनों में दर्द होता है, किन कारणों से होता है? हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली खिलाड़ियों में घुटना का दर्द काफ़ी कॉमन है। एक्चुअली इसको हम अगर इस वे में बताऊं कि खिलाड़ी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अमेच्योर खिलाड़ी और एक प्रोफेशनल प्लेयर्स। अमेच्योर मतलब जिन्होंने कभी ऑन एंड ऑफ खेलते हैं या फिर शुरुआत करते हैं या फिर एक रूटीन खेलने वाले खिलाड़ी, तो दोनों में घुटनों के दर्द के कारण अलग अलग होते हैं। मेनली जो दोनों में कॉमन एक दर्द का कारण है वो है मांसपेशियों का खिंचाव, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। एक्चुअली ये घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती, ये घुटनों के आसपास जो मांसपेशियाँ होती हैं, जांघ की या टांग की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें खिंचाव की वजह से कई बार दर्द होता है, जो खिलाड़ी उसको घुटनों की दर्द की तरह समझते हैं। तो ये अमेच्योर प्लेयर्स में काफ़ी कॉमनली होता है, जो ओकेजनली कभी खेलते हैं या फिर किसी दिन ज़्यादा एक्सरसाइज या खेलना कूदना हो जाता है तो उस दिन ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये घुटनों के दर्द से अलग होता है। घुटनों का दर्द होता है कि घुटने में ही दर्द हो रहा हो, आसपास दर्द कंपैरेटिवली कम हो। तो अगर एमेच्योर प्लेयर्स में अपने कहें तो घुटनों के दर्द के कारण काफ़ी हो सकते हैं। अगर वो ढंग से खेल कूद नहीं रहे तो सबसे पहले तो उनके घुटनों में चोट लगी है, वो नोइंगली या अननोइंगली उन्हें पता नहीं है, अचानक चोट लग गई है, तो हो सकता है उनके घुटने में कोई माइनर क्रैक आ गया हो, हो सकता है उनके घुटने में कोई लिगामेंट रप्चर हो गया हो या मेनिस्कल इंजरी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि मांसपेशियाँ ही हैं जो घुटने के पास से ओरिजिन करती हैं, उनमें खिंचाव आ गया हो, तो वो भी घुटने के दर्द की तरह आपके। तो एग्जैक्टली इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये किस कारण है। घुटनों में अगर सूजन है तो इनवेरिएबली चांसेस ये है कि उनमें कोई फ्रैक्चर हुआ है, क्रैक आ गया, घुटना बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर पा रहे वो। बाकी अदरवाइज अगर लिगामेंट इंजरी है, कई बार इनमें सूजन आती है, कई बार नहीं आती, लेकिन इनके साथ अलग कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे अगर लिगामेंट इंजरी है तो उनको ऐसे लगता है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे, उनका घुटना निकल रहा है घुटना, तो ये कारण हो सकता है। और अगर समझ लो कि उन्हें लगता है कि घुटना ट्विस्ट करने पर या पालथी मारने पर पेन हो रही है, तो हो सकता है उनके घुटने में मेनिस्कल इंजरी हो गई हो। तो ये एमेच्योर प्लेयर्स में होता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनके अलग तरह की चोट होती हैं। उनकी जो चोट होती हैं, माइनर चोट्स को तो वो जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली जनरली लिगामेंट इंजरी या फिर मेनिस्कल इंजरी होती है। प्रोफेशनल प्लेयर्स जनरली काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं उसमें। तो प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि माइनर अगर उन्हें नी पेन हो रहा है तो उनको डॉक्टर्स को मिल लेना चाहिए और डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। लेकिन कॉमनली जो प्रोफेशनल प्लेयर्स में जो कॉमनली मैंने देखा है, खासकर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो मसल जो बिल्ड करते हैं तो मसल की इम्बैलेंस हो जाती है नी के आसपास, तो उनके थाइस के एक साइड के मसल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, दूसरी साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये जो अपने पटला बोलते हैं, जिसको हिंदी में आमतौर पर ढकनी बोलते हैं, ये अपने ग्रूव में ईजिली चलती नहीं है, प्रॉपरली चलती नहीं है, वो रगड़ खा के चलती है। तो उससे क्या होता है कि वो नीचे वाली बोन पर रगड़ खा के जाती है और ऑफ ट्रैक चलती है, तो उसकी वजह से मूवमेंट में पेन आती है। उसकी वजह से ना तो उन्हें पेन हो, ना तो उन्हें सूजन आती है, ना और कोई प्रॉब्लम ऐसा होती है। उन्हें सिर्फ जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब प्रॉब्लम नहीं आती, जब नी की मूवमेंट होती है तब होती है। इसके अलावा जो एमेच्योर प्लेयर्स में, उनमें भी हो सकती है। एमेच्योर प्लेयर जनरली ये प्रॉब्लम्स जनरली बता देते हैं, जल्दी बता देते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स वही यही प्रॉब्लम लेट बताते हैं। लास्टली ये होता है कि कई ओकेशनली मैंने देखा है जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं या फिर नी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनके नी में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट या और कोई प्रॉब्लम है, तो उनके नी के ओवर यूज़ की वजह से उन्हें कम एज पर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि कोई भी प्लेयर्स हो, चाहे उन्हें सिंपल मसल स्प्रेन भी हो रहा हो या फिर कोई इंजरी हो गई हो, चाहे कुछ भी पेन हो, बेस्ट वे है कि अगर उन्हें सिंपल रेमेडीज़ हैं, जैसे आइस एप्लीकेशन है या कोई पेन किलर है, या उनमें दो तीन दिनों में अगर उन्हें आराम नहीं मिलता है तो बेटर ये है उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। बट अगर उन्हें नी पेन के साथ स्वेलिंग भी हो गई है और उन्हें पता है कि ये चोट मेरे ज़बरदस्त लगी है, इमीडिएटली उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि पॉसिबल जो भी ट्रीटमेंट हो वो इमीडिएटली दिया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं खिलाड़ियों का करियर खिलाड़ी की कैपेसिटी, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है।
अगर उनके नी पेन की वजह से अगर वो आगे फ्यूचर में नहीं खेल पाएंगे नेचुरली उनका करियर वहीं स्टॉप हो जाता है। तो बेस्ट वे ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, खिलाड़ी जो भी हैं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा और आप अपने वापस खेलकूद में वापस टाइमली आ जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस बार हमने देखा खिलाड़ियों के घुटनों के दर्द के बारे में कि मैच्योर और मैच्योर खिलाड़ियों में किन कारणों से घुटनों में दर्द होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें ताकि आपकी परफॉर्मेंस में सुधार हो सके। तो मैच्योर हो चाहे इमैच्योर हो, जैसे ही घुटने में दर्द हो अपने डॉक्टर की सलाह लेके मशवरा लेके अपना काम आगे शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों।